हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आप हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है, यू समझो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और बुक है हमारी ज्योग्राफी की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बाकी के जितने भी टॉपिक हैं हम लगभग कवर कर चुके हैं, तो कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे, सारी की सारी जानकारी समझेंगे क्या है कम्युनिकेशन, और जितना भी टॉपिक हमारा दे रखा है फुल कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम, ठीक है। तो राम जो है अपने विचारों को श्याम तक पहुंचा रहा है, और श्याम अगर उन विचारों को समझ पा रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या श्याम कोई बात है अपनी बात को राम तक पहुंचा रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। इन्फॉर्मेशन, राम के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको श्याम तक पहुँचाना, श्याम के पास जो इन्फॉर्मेशन है राम तक पहुँचाना, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो सिंपल सी, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान। अब वो दो व्यक्ति जो है वो बोलकर भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लिखकर किसी लेटर के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या किसी दूसरे मीन्स की माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दूसरे मीन्स में जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, सेटेलाइट, इंटरनेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति को या कई सारे व्यक्तियों को किसी भी रूप में इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। मैं भी अपनी बात जो है इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूं और आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। तो मतलब मैं एक व्यक्ति हो गया, आप एक व्यक्ति हो गए, तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। किसके माध्यम से हो रहा है? डेफिनेटली इंटरनेट चाहिए इसके लिए, प्लस साथ के साथ में आपका मोबाइल चाहिए, इसके थ्रू क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये मीन्स हो गए, मगर मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूँ, किस रूप में बता रहा हूँ, तो मैं आपको बोल बोल के भी बता रहा हूँ, है ना, स्पीकिंग के माध्यम से, लिख लिख के भी बता रहा हूँ आपको, और यार लिखा भी हुआ है इसके माध्यम से भी बता रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी बात है, आज की डेट में जब दो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में जब किसी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, वो लिखित में भी हो सकता है, बिना लिखे भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, रिटेन में भी हो सकता है, तो किसी भी रूप में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है कम्युनिकेशन ये, और वीडियो के फॉर्म में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से जब कोई इन्फॉर्मेशन कई व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में शेयर की जा रही है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज की डेट में आप देखोगे अलग अलग फेजेज में कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट देखने को मिला इस दुनिया में। जो आज की डेट में जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है शुरुआत से ही मोबाइल हुआ करता था, तो बहुत लंबे समय तक ह्यूमन बींग्स जो है अलग अलग मीन्स यूज करते थे कम्युनिकेशन के, जिसमें टेलीग्राफ और टेलीफोन सिस्टम इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इनका इस्तेमाल किया करते थे। और जब अमेरिका का कॉलोनाइजेशन किया जा रहा था, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट, उस समय जो है टेलीग्राफ जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मशीन से दिखा रखी है, ये जो है ये है आपका टेलीग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर ये टेलीफोन हो गया। तो जब अमेरिका का जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था, उस समय पर टेलीग्राफ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। और अर्ली और मिड 20 सेंचुरी में, मिड 20 सेंचुरी का मतलब है 1950 के आसपास के समथिंग, एक कंपनी है जिसका नाम है अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी, इसकी पूरे के पूरे यूएसए की टेलीफोन इंडस्ट्री में मोनोपोली हुआ करती थी। मतलब इस टाइम की अगर हम बात करें तो यूएसए में एक ही कंपनी का दबदबा था, टेलीफोन कंपनी, जिसका था AT&T, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी, मतलब और कोई कंपनी नहीं थी, अकेली कंपनी थी जिसका दबदबा हुआ करता था कहां पे? अमेरिका में टेलीफोन और टेलीग्राफ के मामले में, ठीक है। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा टेलीफोन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जब अर्बनाइजेशन हुआ तो उसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका टेलीफोन। इसके माध्यम से भी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? शहरों का विकास होना, शहरों में अर्बन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, गांव से लोग जब शहरों में जाते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं, माइग्रेशन का एक रिजल्ट है। तो अर्बनाइजेशन होने में, शहरीकरण होने में टेलीफोन का बहुत बड़ा रोल है अमेरिका में, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जो फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब जो कंपनी हैं, वो अपने ऑपरेशन मतलब अपने काम धाम जो है अर्बन सेंटर्स में इस्टेब्लिश कर रही हैं, और उनके हेडक्वार्टर जो हैं और उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको छोटे छोटे टाउन्स में मतलब ये लगा रही हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं।
न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, न्यू फेजेज ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो आपने देखा अभी टेलीफोन जो है आज भी आपको देखने को मिलेगा, आज भी टेलीफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। करंट फेज जो है चल रहा है कम्युनिकेशन का, इसमें टेलीफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मगर अब तो तुम देखो यार मोबाइल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा यूज ऑफ सेलफोन जो है एक इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुका है, स्पेशली रूरल कनेक्टिविटी। इवन गाँव तक आप देखो, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में भी सेलफोन्स पहुँच चुके हैं, मोबाइल फोन्स पहुँच चुके हैं। अब तो मतलब मोबाइल फोन में भी बहुत हाई फाई वाले फोन आते हैं ना। आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन डे बाई डे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से नए नए एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले आप देखो इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, अब इंटरनेट की स्पीड कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। पहले मोबाइल जो है बिल्कुल सिंपल मोबाइल हुआ करते थे, मगर आज की डेट में आप मोबाइल देखो बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले मोबाइल आते हैं। अब तो शायद मेमोरी कार्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोबाइलों में, इतनी ज़्यादा हैवी मेमोरी। कैमरा देखो एक से एक शानदार कैमरा आते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल सब तरह की कॉल आप इसमें कर सकते हो, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अब आप देखो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। अब दुनिया में किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सोशल साइट्स आपने देखी होंगी, आप यूज भी करते होंगे, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आप मैसेज करो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैठा है तो विद इन ए सेकेंड आपको अगर वो ऑन है तो रिप्लाई भी दे सकता है, ठीक है। तो अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। और स्पीड अब जो मेजर फोकस किया जाता है वो किस पे फोकस किया जाता है, स्पीड पर फोकस किया जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा अब इंटरनेट के लिए फाइबर केबल लगाते हैं ना, आपने सुना होगा फाइबर, जियो फाइबर एयरटेल फाइबर ऐसे करके सुना होगा। तो एक फाइबर में क्या होता है, बीच में एक ग्लास शीशे की एक तार होता है, इसमें से प्रकाश लाइट जाती है और उसी लाइट से क्या है इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें मतलब एरर बहुत कम आती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और हैवी बल्कि मतलब इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन आया है कम्युनिकेशन के फील्ड में वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। यहाँ पे जो केबल दिखा रखी है ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसने कम्युनिकेशन के सिस्टम को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। क्यों रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, इनका ध्यान देना, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती हैं इससे जो है सबसे ज़्यादा तेज गति से मैसेज जो है इन्फॉर्मेशन जो है डेटा जो है बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है, सिक्योरली जाता है, बिना एरर फ्री जाता है, बहुत ज़्यादा कम लॉसेस होते हैं। तो आज की डेट में जहाँ भी फास्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, तेज कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, वहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में आप देखो जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो टेलीफोन कंपनी जो है, आप देखो पहले के टाइम पे आपने देखा होगा इंटरनेट जो है एक केबल सी होती थी, कॉपर केबल का इस्तेमाल करते थे इंटरनेट के लिए, मगर उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। तो आज की डेट में कंपनियाँ जो हैं उन्होंने क्या किया है, कॉपर केबल को तो हटा दिया है और उसकी जगह पर ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑप्टिकल फाइबर मैंने बता दिया, ये पतली पतली सी केबल होंगी आपने देखा होगा, और इसमें कांच का एक वायर रहता है जिसको हम बोलते हैं फाइबर, ठीक है। उसमें से प्रकाश जाता है, लाइट जाती है और उसी से उसमें मतलब आपको देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आपने सुना हो कभी तो वो घटना होती है, उसके माध्यम से लाइट जाती है दूर तक, बड़ी आसानी से मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम जो है, केबल सिस्टम जो है, लार्ज क्वांटिटी डेटा को बहुत रैपिडली सिक्योरली और वर्चुअल एरर फ्री, मतलब बिना किसी एरर के, सुरक्षा पूर्वक और बहुत तेज गति से क्या कर सकता है, ये ट्रांसफर कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। 1990s में आपने देखा कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का दौर स्टार्ट हुआ और टेली कम्युनिकेशन जो है धीरे धीरे, अब 1990s के बाद देखो, 1990 से पहले तो इतना नहीं था, पर 1990s के बाद आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे कम्युनिकेशन के फील्ड में दो चीज़ और जुड़ जाती हैं, एक तो है कंप्यूटर्स और दूसरा इंटरनेट, बहुत तेज गति से जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और आज की डेट में आप देखो इंटरनेट जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बन चुका है हमारे प्लेनेट पर, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जहां पर 100 से ज़्यादा देशों के 1,000 मिलियन से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। 1,000 मिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ लोग सीधे सीधे कनेक्टेड हैं 100 कंट्रीज के, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम जो बात कर पाते हैं, नेट जब चला पाते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कौन जिम्मेदार है, सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट आपको पता है भारत में कंपनी भेजती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उस कंपनी का नाम है हमारी का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा कमेंट करके बताना है, सिलेबस में तो नहीं है मगर आउट ऑफ सिलेबस है, मगर ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसरो का पहली बात तो आपको बताना है आज की डेट में चेयरमैन कौन है, और नंबर
बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको बताना है। दो चीज़ बतानी है, फुल फॉर्म मैंने बता दी, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम देखेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको पता होता है सैटेलाइट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है, और आज की डेट में जितने भी मोबाइल्स इंटरनेट जो चल रहा है वो सब किसकी मदद से हो पा रहा है, सैटेलाइट की मदद से ही हो पा रहा है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा 1945 से, आप सबको पता है 1945 से 1991 के बीच में दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर। तो उस समय पर दो देशों के बीच में स्पेस रेस चल रही थी, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, इनके बीच में रेस चल रही थी स्पेस रिसर्च के मामले में। तो इसी स्पेस रेस में आपको देखने को मिलेगा दोनों देश जो हैं यूएसए एंड यूएसएसआर, इनकी जो रिसर्च की गई थी उसी का रिजल्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसी की मदद से हम क्या कर पाते हैं आज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से आप देखो कम्युनिकेशन वर्ल्ड में एक तरह से पूरी रेवोल्यूशन आ चुकी है। ठीक है, आप देखो हर समय पे हम मतलब आप किसी भी मोबाइल को मतलब यूज करो, किसी भी सेलफोन को यूज करो, उससे कॉल करो, एसएमएस करो, कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी पर प्रोग्राम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से। ये जितने भी हम मोबाइल कर एसएमएस करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपको पता है अर्थ की ऑर्बिट में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे ये सैटेलाइट है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसमें कौन छोड़ता है इनको, इनको छोड़ता है हमारा इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके एक रॉकेट का नाम सुना होगा आपने, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनमें सैटेलाइट को रख के हम ऊपर भेज देते हैं। और ये जो सैटेलाइट है दुनिया में रिमोट एरियाज में ऑन साइट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी जगह को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही मतलब रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को। और ये जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो कॉस्ट और टाइम है वो बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं है, मतलब चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप, अब देखो आप चाहे मतलब 500 किलोमीटर पे दूरी पे बैठे व्यक्ति से बात करो, चाहे 5000 किलोमीटर की दूरी पे मतलब जो व्यक्ति बैठा है उससे बात करो, चाहे 5 किलोमीटर की दूरी पे व्यक्ति जो बैठा है उससे बात करो, यहाँ पर कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। आप इंटरनेट यूज करते हो, आप कहीं भी मैसेज करो, आप देश के अंदर करो, देश के बाहर करो, स्टेट के अंदर करो, एक सिटी के अंदर करो, गाँव के अंदर करो, मैसेज की कॉस्ट क्या रहती है, मैसेज की कॉस्ट बिल्कुल सेम रहती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे आपको देखना है कुछ सैटेलाइट भारत ने भी छोड़े और उनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। तो इंडिया का इंपॉर्टेंट प्लेस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में। तो भारत ने जो सबसे पहले अपना सैटेलाइट भेजा था, ध्यान रखना, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1979, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत ने जो सबसे पहले सैटेलाइट भेजा था उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब भेजा, 19 अप्रैल 1979। भास्कर फर्स्ट हमने भेजा था 1979 में ही, रोहिणी भेजा था हमने 1980 में, फिर एक सैटेलाइट भेजा एप्पल, एप्पल को भेजा था और इसको भेजा था हमने 18 जून 1981 में, और एरियन रॉकेट के माध्यम से भेजा था। एप्पल की फुल फॉर्म क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B, ये सैटेलाइट भी जो हैं ये भेजे गए थे। इनका पर्पज है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडियो, इन सब चीज़ों को मतलब इफेक्टिव बनाना और वेदर की फोरकास्टिंग करना टीवी के थ्रू, ये भी इनका काम है। तो ये भारत के सैटेलाइट हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1979। एप्पल की फुल फॉर्म एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला है साइबर स्पेस या इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता ही, इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे दुनिया भर के कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, ये सब आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यही बन जाता है साइबर स्पेस। तो दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं सबको जोड़ दो, जितने भी नेटवर्क हैं सबको जोड़ दो, ये मिलकर क्या कहलाता है, यही मिलकर कहलाता है इंटरनेट। तो साइबर स्पेस या इंटरनेट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है, जिसका काम क्या है, कम्युनिकेशन को एक्सेस कर, कम्युनिकेशन करना, डेटा एक्सेस करना है, इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजना विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ सेंडर और रिसीवर। मतलब आप देखो, आप अपनी जगह पर बैठे हो, मैं अपनी जगह पर बैठा हूं, और इस कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या साइबर स्पेस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आप भी अपनी जगह से नहीं हिल रहे हो, मैं भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा हूँ, और हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को या अपने इन्फॉर्मेशन को या अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मगर किसकी मदद से कर रहे हैं, साइबर स्पेस के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। और ये इंटरनेट जो है आज की डेट में आपको WWW में मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। आप जब भी इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो तो पहले WWW, जितनी भी साइट आप ओपन करते हो सब के आगे क्या लगा रहता है, WWW लगा रहता है, तो इसमें सब आपको मिल जाएंगे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग
अलग साइट बनी रहती हैं, आप एजुकेशनल साइट अलग मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स की साइट अलग मिल जाएंगी, हर चीज़ के लिए अलग अलग साइट बना रखी हैं, गवर्नमेंट की साइट्स भी अलग मिल जाती हैं जिनको हम वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइबर स्पेस है ना, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक साइबर कैफे में जाके वहीं पर यूज करो, आप मोबाइल में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मोबाइल को कहीं भी ले जाओ, आप पानी में ले जाओ मोबाइल को, अगर वहाँ नेटवर्क है तो वहाँ भी यूज कर सकते हो, आप एरोप्लेन में यूज कर सकते हो, आप बोट में यूज कर सकते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इंटरनेट एवरीवेयर। अब तो आने वाले समय में अगर मैं आपको बता दूं, हमारे एक भाई साहब हैं इलोन मस्क, यूएसए के, आपको पता ही होगा उनका, है ना, उनकी एक कंपनी भी है, और कंपनी जैसे आपने सुनी होगी टेस्ला, है ना, और स्पेसएक्स कंपनी भी है उनकी, तो ये एक स्टारलिंक इनका एक प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से क्या करेंगे आप, स्पेस इंटरनेट मिलेगा आपको। स्पेस इंटरनेट का मतलब जिसमें आपको शायद ये जो आज की डेट में जो टावर हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेस इंटरनेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो वहाँ पर काम चल रहा है उस पर, है ना। और आप देखो, वी कैन नॉट मेजर द स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, तो ह्यूमन हिस्ट्री में आज की डेट में आप देखो इंटरनेट का जो नेटवर्क है बहुत तेज गति से मतलब क्या कर रहा है, रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, इसकी स्पीड को आप मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब तेज गति से इंटरनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, जगह जगह पर अब इंटरनेट पहुंच रहा है। तो आज की डेट में आप देखो साइबर स्पेस जो है, इंटरनेट का जो नेटवर्क है, ये हर जगह पर आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, हर जगह पर ये एग्जिस्ट करता है। पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा यूएसए से डेवलपिंग कंट्रीज में जो यूजर्स हैं इनका शिफ्ट देखने को मिलेगा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूजर्स हुआ करते थे इंटरनेट के यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मगर अब जो है डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंटरनेट के यूजर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। पहले अगर आप टोटल का परसेंटेज देखें तो 1995 में 66% शेयर हुआ करता था यूएसए का, जो घटकर 25% रह जाता है 2005 में, और आज की डेट में आप देखो मेजोरिटी ऑफ जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया। अगर चाइना इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, तो यहीं पर बहुत सारे लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग एक ऐसा समय था जब यूएसए में इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मगर आप देखो आई एम श्योर कि इंडिया जो है वन ऑफ दी ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पर आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा। तो आज अब देखो इंटरनेट, हर कोई इंटरनेट का यूज करता है, एक समय पर इंटरनेट के लिए साइबर कैफे में जाना पड़ता था, पर आवर चार्ज देना पड़ता था, तो मगर इंडिया में भी आप देखो बहुत सारे इंटरनेट के क्या हैं, यूजर्स हैं। तो 1995 में अगर इंटरनेट यूजर्स की संख्या देखें तो 50 मिलियन से भी कम इंटरनेट के यूजर्स हुआ करते थे, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरनेट, 5 करोड़ से भी कम इंटरनेट के यूजर्स हुआ करते थे, जो 2000 में बढ़कर कितने हो जाते हैं, 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ मतलब यूजर्स हो जाते हैं 2000 में, और 2010 में तो ये 2 बिलियन यूजर्स हो जाते हैं, 2 बिलियन का मतलब है 200 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरनेट के यूजर हैं 2010 के डेटा के हिसाब से, अब तो बहुत ज़्यादा होंगे, अब तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैं आपको बता दूँ 8 बिलियन से भी 8 बिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मतलब 800 करोड़ से भी ज़्यादा, तो इंटरनेट के भी बहुत सारे अब यूजर्स होंगे। और आज आप देखो हर साल हर महीने इंटरनेट के जो यूजर्स हैं इसमें उनकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इंटरनेट का यूज हम कई जगह पर कर रहे हैं, आज की डेट में इकोनॉमिक सोशल स्पेस में भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। आप देखो ईमेल करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, ई कॉमर्स, आपको कोई भी चीज़ मंगानी है, खरीदनी है, ऑनलाइन परचेज करनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबसे, उसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ई लर्निंग, आप पढ़ रहे हो इंटरनेट से, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करो। ई गवर्नेंस, सरकार, आजकल देखो बहुत सारे सरकार के ऑपरेशन जो है ऑनलाइन, मतलब आप सरकार के कई सारे काम जो है ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हुए भी, समय और प्लेस का ऑब्स्टेकल्स होते हुए भी, इंटरनेट जो है आज की डेट में कई जगह पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्स के रूप में, टेलीविजन के रूप में, रेडियो के रूप में, और इन सब चीज़ों की मदद से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट क्या हो पा रहा है, एक्सेसिबल हो पा रहा है। और इसी कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से आप देखो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रियलिटी बन चुका है, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। अब गांव कैसे बन चुकी है, क्योंकि दुनिया में आज कहीं भी आप इंटरनेट की मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से किसी से भी किसी भी क्षण बात कर सकते हो, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, किसी भी रूप में बात कर सकते हो, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारे पास में ही है। तो इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम ने पूरी दुनिया को क्या बना दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया है, ग्लोबल विलेज बनाने में हमारी मदद करी है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में आप यहाँ इंडिया से बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।